जय हिंद दोस्तों। कल यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है जारी हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा और फिर जो है अब क्या करें, काउंसलिंग कैसे करें, क्या मेथड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या चार्ज लगेगा और फिर जो है इसके बारे में पूरा डिटेल हम जानते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। बेटियों ने मारी बाजी, प्रयागराज से 3 टॉपर्स, रागिनी यादव ने किया टॉप। आगे हम देख लेते हैं टॉपर्स की लिस्ट, उसके बाद हम जानते हैं क्या क्या मेथड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 10 टॉपर के नाम यहाँ पर हैं। पहला है रागिनी यादव, दूसरा है राम बालक सिंह, अलगू प्रसाद हैं, सतीश पाल हैं, कमलेश पटेल हैं, निरंजन सिंह हैं, चंद्रशेखर पटेल हैं। ठीक, आप देख सकते हैं, हमको यह जो है सब जानना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। चंद्रशेखर है और फिर चंद्रशेखर के बाद जो है दिनेश चंद्र नागर हैं, पूरन सिंह हैं। अब हम जानते हैं कि जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या मेथड है। पहले अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास जो है जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जो है जो ईमेल आईडी आप दिए थे वो जो है आपको याद करना होगा या जो है रखना होगा। उसके बाद की अगर बात करें तो जो मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर्ड किए थे वो मोबाइल नंबर ज़रूर चाहिए। और अगर बात करें हम जो है अदर डॉक्यूमेंट्स की, तो अदर डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं आया है तो आप जो है जो ऑनलाइन निकाले हैं उसे जो है आप ऑफिस से जाकर के यानी अपने कॉलेज से जाकर के मुहर लगवा लीजिए या जो है अलाउमेंट करा लीजिए। ठीक, और फिर जो है काउंसलिंग के लिए 5750 रुपये चार्ज आपको देना होगा। 5750 रुपये आपको चार्ज देना होगा। इसके लिए जो है बैंक होना चाहिए यानी कि पासबुक होना चाहिए। आप ये जो है ये मैटर नहीं करता है कि आप अपना जो है बैंक जमा करें या जो है अपने माता पिता का, आप किसी का भी बैंक दे सकते हैं या उससे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, काउंसलिंग चार्ज जो है 5750 रुपये देने होंगे। ठीक, अगर हम बात करें जो है क्या क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है एक इस तरीके से जो है कागज़ निकलेगा जिसमें आपको स्टेट रैंक मिलेगा। अगर आपका स्टेट रैंक 12,000 तक है, यानी कि 12,000 तक है आपका स्टेट रैंक आपको मिला है, तो आपका एडमिशन जो है सरकारी में हो जाएगा। ये गारंटी है कि आपका एडमिशन जो है सरकारी सीट पर हो जाएगा। और फिर जो है 5750 रुपये आपको जो है काउंसलिंग चार्ज देने होंगे। ये जो है अगर 12,000 सीट के अंदर जो है स्टेट रैंक आपको मिला है तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। अगर बात करें तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट रैंक है, तो आप देख सकते हैं स्टेट रैंक 2 5,000 है। यहाँ पर 50,000 है, 50,000 के बाद जो है 1,40,000 है, और तीसरा है 2,40,000, और फिर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टिल इंड है, उसके बाद जो है डायरेक्ट यहाँ पर है पोल है, फेज 4 है, फेज 3 है, फेज 2 है, आखिर ये फेज 1 क्या है, तो इसके बारे में फिर हम जान लेते हैं। जिसका रैंक 1 से 50,000 के बीच में आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 50,000 के बीच में आया है, वो फेज 1 में है, यानी कि आपको जो है नवंबर 2019 से लेकर के नवंबर 2022 तक आपको जो है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो है चॉइस फिलिंग आपसे पूछी जाएगी, आपको जो है कॉलेज डिसाइड करना होगा, उसके बाद जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। ये पुराना जो है आपको दिखा रहे हैं, अब जो है नया जारी होगा, आप उससे एडमिशन लेंगे। ठीक, उसके बाद जो है फेज 2 वालों को मिलेगा मौका। फेज 2 वालों को अगर मौके की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका मौका जो है यहां से यहां तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो है 24 तारीख 25 तारीख 26 तारीख 27 तारीख में जो है इनसे जो है रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, और फिर जो है चॉइस फिलिंग पूछी जाएगी, काउंसलिंग चार्ज मांगा जाएगा, और फिर जो है अदर इससे मांगा जाएगा। ये एक मैटर नहीं करता कि जो है बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो है कितना हम जो है कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं, 2 कॉलेज, चार कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं, तो ये जो है आपके ऊपर है कि जो है आपको कितना कॉलेज डिसाइड करना है। आपको जो है नंबर के हिसाब से जो है रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये जो है मेथड है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं
के जो है हमने बता दिया कि यूपी बीएड रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस होगा, क्या करें, जो हमको जो है काउंसलिंग करना होगा, काउंसलिंग मेथड भी बता दिया कि जो है आपको रैंक मिलेगा एक रैंक से जो है कि 50,000 रैंक तक जिसका होगा उसका आसानी से हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें 12,000 तक जो है अगर आपको रैंक मिला है तो आपको सरकारी सीट मिल जाएगा। क्या मेथड है ये भी हमने बता दिया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर जो ग्रेजुएशन मार्कशीट और बैंक पासबुक होना अनिवार्य है। ठीक, चार्ज जो है 5,750 रुपये लगेगा। अब जो है ये प्रोसेस हो गया, तो अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन कोई लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।